हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने एक मुहिम की शुरुआत कराई थी, और वो जो मुहिम है वो कुछ इस तरह से था कि जो हमारा एसपीडी की किताब है, करंट अफेयर्स, जो कि वन लाइनर में काफ़ी फेमस किताब है, उसमें से मैंने करंट अफेयर्स हर महीने शुरू करने की एक मुहिम शुरू की थी। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को अगस्त महीने से रिलेटेड जितनी सारी करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही 1 अगस्त 2021 को भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र में हुआ था? तो वो चंद्र 2021 का आता है। 1 अगस्त 2021 के सूचना अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो वो महाराष्ट्र है। 1 अगस्त 2021 के घोषणा अनुसार किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो साइरस पूनावाला है। 1 अगस्त 2021 को किस अमेरिकी तैराक ने 5वें स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो का सबसे सफल तैराक साबित हुआ है? तो वो सेलेब ड्रेसेल आते हैं। 2 अगस्त की बात अगर मैं करूं तो 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में कितने भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो ये टोटल 7 है, और 7 में से जो आप ये कह सकते हैं कि उन 5ों में से सबसे ऊपरी स्थान पर है, तो वो वॉलमार्ट है, अमेरिकी कंपनी है। 3 अगस्त 2021 को हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? तो इसका नाम है हर हित स्टोर। 3 अगस्त 2021 को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बने? तो वो सहरोज काशिफ बने, पाकिस्तानी हैं ये, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 अगस्त 2021 को COVID-19 के मामले में 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये भुवनेश्वर बना था, ओडिशा का। 4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया था? तो ये लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई थी। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार है। 5 अगस्त 2021 को किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये DBS बैंक है। 5 अगस्त 2021 को ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना? तो ये INS खंजर है। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार को इज ऑफ ड्यूडिंग बिजनेस के पहल तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? तो ये पश्चिम बंगाल है। 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये हिरोशिमा दिवस है। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले ये जो सवाल हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, बट अब इसका जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता था? तो ये हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हरा कर जीता था। 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्रणाली का सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? तो ये धृति बनर्जी को बनाया गया था। 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक, यानी कि हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये केरल के SCTIMST में शुरुआत की गई थी। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोरोना 19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दी है?
तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को आपातकालीन यानी इमरजेंसी में इसकी शुरुआत की गई थी। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर को अनुमति दी है। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ की मनाई गई थी, मतलब जब ये हुआ था। और अगर 2021 की मैं बातें करूं तो ये 79वां चल रहा है, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री बताया था मैंने कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, अगस्त रेवोल्यूशन क्यों हुआ था और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 जीते हैं, 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। 8 अगस्त 2021 को किन दो देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास जय तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया? तो ये भारत और UAE है। 8 अगस्त 2021 को वर्ष 21-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो कर्नाटका बना है। 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिड किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है दोस्तों। 9 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, इनमें किसके बारे में प्रावधान है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार है। इसी के साथ ही साथ 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व शेर दिवस मनाया गया था। 10 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की? तो वो महाराष्ट्र है। 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये विनेश फोगाट है। 10 अगस्त 2021 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये भाला फेंक दिवस है। इसी के साथ ही साथ 10 अगस्त 2021 को वायुसेना ने कहां दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाने का निर्माण किया है? तो लद्दाख के नियोमो में। 11 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो वो छत्तीसगढ़ बना था। 11 अगस्त 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वो चीन का होटन शहर बना है। और दूसरा, हमारे इंडिया की ही बात करूँ तो गाजियाबाद है दोस्तों, ये गर्व की बात होनी चाहिए। 11 अगस्त 2021 को लंदन के राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 122वें स्थान पर है। इसी के साथ ही 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुई काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया था। 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? तो ये कैथी होचुल बनी थी। 11 अगस्त 2021 को वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने 7 जीते हैं। 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो इन्होंने टोटल 22 किए थे। 12 अगस्त 2021 को किस राज्य ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलन की जयंती मनाने की घोषणा की थी? तो ये तमिलनाडु सरकार ने की थी, वो राजा राजा चोला, क्योंकि उनका हमारे आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अच्छा योगदान है। 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी यानी वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो वो इंदौर ने किया था। 12 अगस्त 2021 को इसरो के GLSV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? तो EOS O3 उसका नाम है।
12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व हाथी दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। उसी के साथ ही इंटरनेशनल यूथ डे भी उसी दिन मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम उसी दिन ही मनाते हैं। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त 2021 को RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए अनुबंधित किया है, तो वो नीरज चोपड़ा को किया था। 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसको हम लोग NPPA कहते हैं, का अध्यक्ष किसे चुना था? तो ये कमलेश कुमार पंत को चुना था। 13 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादन के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो वो सोन चिड़ैया है। 13 अगस्त 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन एक्टिविटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो वो कैप्टन जोया अग्रवाल हुआ करती हैं। 14 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूची जारी की गई है? तो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। 14 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? अमेरिका। 14 अगस्त 2021 को मुंबई ASG में तैनात CAPF अधिकारी ने माउंट एम्बुलेंस की चोटी पर फतेह करने वाले पहले CAPF अधिकारी बन गई हैं, तो वो गीता समोटा है। 14 अगस्त 2021 को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो वो SEACAT है, जैसे सी कैट के नाम से हम जानते हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से दो नए नारे दिए थे? तो वो छोटा किसान बने देश की शान। उसी के साथ सब साथ सब विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी चीजें हैं। 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये टोटल 75 है। 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 15 अगस्त 2021 को भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा था? तो आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभिनय की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के नाम से हम जानते हैं। 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाज युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वहां पर टोटल 15 जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। 16 अगस्त 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये MyEHeart के नाम से पोर्टल एक लॉन्च किया है। 16 अगस्त 2021 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्म के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो ये इंडिगो के नाम से जानते हैं हम। बेसिकली ये एक चिप होता है, इसके बारे में कभी आराम से पढ़ेंगे। 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो ये सागो के नाम से आता है। 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना, जो कि असम में है। 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहां से शुरू हुआ? तो ये तिरुवनंतपुरम है, केरला से। 16 अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानून हस्तांतरण दिवस डे जूर के नाम से मनाया था? तो ये तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल में है। इसी के साथ ही 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारगढ़,
भिलाईगढ़ और उसी के साथ मनेनगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में टोटल कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पर टोटल 32 है। 17 अगस्त 2021 को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बनाया गया, तो ये एम्स दिल्ली काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा है, उनका नाम यहाँ पर सबसे ऊपर आता है। 17 अगस्त 2021 को शिपलिम वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता था, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता था। 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर ने उपराज्यपाल ने परिजनों की प्रगति के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये प्रूफ नाम से एक ऐप आता है। 18 अगस्त 2021 को यूरोप ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए हैं, तो ये पेरिस सेंट जर्मेन में हुई है। 18 अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो वो ओडिशा बना था। 18 अगस्त 2021 को किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाने की घोषणा की थी, तो 2024 तक की थी। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायनका की जयंती आयोजित किया है, और वो कहाँ किया है, तो दोस्तों वो कर्नाटका में किया है। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, ओडिशा ने दी है। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण की पहल की शुरुआत की है, तो वो महाराष्ट्र सरकार है। 18 अगस्त 2021 को कन्या में आयोजित मतलब केन्या में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में सबसे ऊपर स्थान पर कौन रहा था, केन्या ही रहा था दोस्तों, दूसरे नंबर पे नहीं 21वें नंबर पे भारत रहा था। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 19 अगस्त 2021 को जायक अल बाहर अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो वो कतार है। 19 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, हरियाणा सरकार ने लगाया दोस्तों। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को किस राज्य ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है दोस्तों। 20 अगस्त को देश का पहला स्मैक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ये स्मॉग है दोस्तों। 20 अगस्त 2021 के रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है, भारत बना है। 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व वरिष्ठ दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 21 अगस्त 2021 को भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश से समझौता किया है, तो दोस्तों रशिया से ही किया है। 21 अगस्त 2021 को यूपी में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। इसी के साथ ही साथ 22 अगस्त 2021 को NTPC ने कहाँ सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनवाया है, आंध्र प्रदेश में बनवाया है। 21 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहली एक कोहल म्यूजियम खोला गया है, गोवा में खोला गया है। 22 अगस्त 2021 को भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया है, तो लद्दाख नहीं है, उत्तराखंड है दोस्तों। 22 अगस्त 2021 को जारी हरून ग्लो 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी के लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, तो वो एप्पल है दोस्तों। 22 अगस्त 2021 को अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता था, तो रजत जीता था। 22 अगस्त 2021 को किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है, तो यूनिसेफ ने किया है, UNICEF ने। 23 अगस्त 2021 को
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है? मणिपुर सरकार ने किया है। 23 अगस्त 2021 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समक्ष चैट ब्रॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो ये BPCL ने किया है दोस्तों। 23 अगस्त 2021 को कहां एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम रखने की घोषणा की है? अयोध्या में। 24 अगस्त 2021 को जारी CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा को मिला है। 24 अगस्त 2021 को किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 24 अगस्त को किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर, जिसको हम लोग नियो बोल्ट विकसित नियो बोल्ट कहते हैं, तो नियो बोल्ट का नाम उन्होंने दिया है, तो वो IIT मद्रास हुआ करता है। इसी के साथ ही साथ 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभार शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति ने चलाया था। 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सबसे ऊपर है? तो ये कोपोन हेगन है। 25 अगस्त 2021 को सहकारिता मंत्रालय को नियुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभय कुमार सिंह है दोस्तों। 25 अगस्त 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन वहील कहाँ खुलेगा? तो ये दुबई में खुलेगा दोस्तों। 25 अगस्त 2021 को NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रिंसपाल सिंह हुआ करते हैं। 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इंटरनेशनल डॉग डे मनाते हैं। 26 अगस्त 2021 को पांचवा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये कजाकिस्तान के बीच और भारत के बीच आयोजित किया जाएगा। 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्स्यालय शुरू किया है? तो वो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 26 अगस्त 2021 को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह वन का की सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किया था? तो पाकिस्तान ने किया है। इसी के साथ ही साथ 27 अगस्त 2021 को किस कंपनी ने होरिजन वर्क रूम नामक ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक ने किया है दोस्तों। इसी के साथ ही 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वो सोनू सूद है। इसी के साथ ही 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने की है। इसी के साथ ही 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। 28 अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता था? तो SP सेतुरमन ने जीता था। 28 अगस्त 2021 को नवार्ड और नेव फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ किया गया था? तो किला गांव त्रिपुरा से शुरुआत किया गया था। 28 अगस्त 2021 को कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल रखा गया है? तो वो जम्मू कश्मीर में रखा गया है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो हिमाचल प्रदेश बना था। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया था? तो अनुराग ठाकुर ने किया था। 29 अगस्त 2021 को
कहां विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित है? लद्दाख में। 29 अगस्त को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2023 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश ने। इसी के साथ ही 29 अगस्त 2021 को संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस देशों ने भाग लिया है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया गया है। 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड पिक्स किसने जीता था? तो मैक्स वॉस्टरनेपन ने जीता था। 30 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पट्टनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अमित राही दास है। 30 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान में अपने आखिरी सैनिक मेजर क्रिस डेनह्यू सहित सभी सैनिकों को वापस कर 20 साल तक सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? तो ये अमेरिका है। 31 अगस्त को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण जीता था। 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदल के क्या रख दिया था? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया था। 31 अगस्त 2021 को किस संस्थान ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो ये भारत जीमा बीमा लिमिटेड है, LIC। इसी के साथ 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया है? लद्दाख लेह से लेके पेंगोंग झील तक। 31 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने चिकमगलूर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका में किया गया है। 31 अगस्त 2021 को किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो न्यूजीलैंड में दी गई है दोस्तों। 31 अगस्त 2021 को अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये राजस्थान ने किया है। 31 अगस्त 2021 को किसने विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। 31 अगस्त 2021 को प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये प्रदीप नरवाल है, पटना पायरेट्स से हैं, शायद पहले खेलते थे या फिर आइडिया नहीं है। 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य सबसे बड़ा कौन सा बना था? तो ये मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों ये थी आप सभी के सामने अगस्त महीने की करंट अफेयर्स, अगस्त महीने के डे बाय डे करके चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्पीडी किताब काफ़ी फेमस है, 22,000 प्लस यहाँ पर वन लाइनर की चीज़ों को दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी अगस्त के बारे में मैं बातें करता हूँ। तो जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ बस याद रखिए, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।